अपने विकास विधायक विकास निधि से जो पैसा मुझे मिला है उसके माध्यम से मैंने सड़क इंटरलॉकिंग क्रिया विद्युतीकरण स्कूलों के लिए पैसा ये सब हमने काम किया है और लगभग 58 बीमार व्यक्तियों को सरकार से पैसा दिलवाया है जिसकी रकम 88 लाख रुपये होती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है सड़कों की, इतनी सड़कें हैं छोटी हो या बड़ी हो, गाँव की हो या मुख्य सड़क हो, सब इस तरह जर्जर है, किसी पर चलने के लायक वो सड़क नहीं रह गई है। यहाँ की मुख्य समस्या है जो है सड़क, बिजली और पानी। यहाँ न नहर में पानी आता है, न किसानों के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ के जो रौसू चौराहा है, ये यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए न कोई बैंक है, न यहाँ कोई सुविधा है। सड़क टूटी फूटी है, बिजली 3 से 4 घंटे आती है पूरे 24 घंटे। शिक्षा के लिए यहाँ कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके लिए बच्चे यहाँ से लखनऊ या अन्य प्रांतों में जाते हैं। यहाँ के विधायक हम लोग को देखने में भी नहीं मिलते हैं, इसी रास्ते से आते जाते हैं। आज तक उन्होंने किसी समस्या के लिए न सड़क उतरा, न किसी से कोई बात की, न कोई मीडिया से कुछ कहा, न वो विधानसभा में, आज तक 5 साल बीतने वाला है, कोई प्रश्न उन्होंने विधानसभा में नहीं उठाया। जनता की मुख्य समस्याएं 3 होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, जिसमें शिक्षा का करप्शन आप देख रहे हैं और पूरी जनता देख रही है। और स्वास्थ्य में यहाँ तक कि हमारे जिला अस्पताल को देख लें या हम अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देख लें, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सड़क की कहें तो पूरे कुशीनगर जिला की सड़कें तो खराब हैं, लेकिन फाजिलनगर की सड़कें बहुत विधिवत खराब हैं। हमारे देश के जवान जो कर रहे हैं उसके लिए सरकार कर रही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन किसानों के लिए किसी समस्या का समाधान नहीं होता। न पानी मिलता है समय से, न खाद मिल पाता है, कोई सुविधा उनको नहीं मिल पाता है।